हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को फिर से और एक नया वीडियो में। तो बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि बारिश हुआ था। हमारा 15 दिन हुआ है यहाँ पे, बारिश नहीं छोड़ रहा था, तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला हूँ। तो आज फिर मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग को जैसे ही कि मैं बोला था कि हम कुसुम का गुठली से हम ऑयल निकालते हैं, तो आज हम कुसुम का गुठली से ऑयल निकालेंगे और कुसुम ऑयल हम तैयार करेंगे। तो आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग कैसे कुसुम ऑयल तैयार करते हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक, और देखिए कि हम लोग कैसे गांव में कुसुम ऑयल निकालते हैं और बताएंगे कि कैसे हम उसे यूज करते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो चले आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, चलिए दिखाते हैं आप सभी को। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे हुआ है जो वो कुसुम का गुठली है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो नमक हम बैठा दिए हैं, तो ये है गुठली, कुसुम का गुठली है। तो इसे साफ करके हम ऐसे देख पा रहे हो कैसा दिख रहा है, ऐसे कर दिए हैं। तो अभी हम उसे गर्म करेंगे, तो सारे गुठली को। तो अभी हम ये जो धमा देखते हैं यहाँ पे डाल के हम उसे घुमाएंगे इधर उधर, ताकि सारे गुठली गर्म हो जाए। तो जैसे कि भुजिया जैसा बन जाए ऐसा हम करेंगे। तो सारे गुठली गर्म होने के बाद हम फिर उसे ग्राइंड करेंगे। तो आप लोग देखिए कि हम लोग किस तरह से गुठली से हम ऑयल निकालते हैं। तो देखिए ये हो चुका है, तो अभी हम उसे नीचे ले आए हैं। तो सारे गुठली तो गर्म हो चुका है, तो अभी हम खा लेते हैं क्योंकि हमें भूख लगी है। तो खाने के बाद फिर आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तो चलिए हम खाते हैं। तो पहले खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद फिर जो भी काम है उसे फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, तो ये मशरूम और ये कुंदरी भुजिया है, ये दाल है और ये मछली है। तो इतना ही सब्जी हुआ है आज हमारा। तो चलिए खाना खाते हैं। तो खाना ख़त्म हमारा हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे हमारा काम भी चालू हो गया है। तो अभी हम ये जो देखिए, ये जो धमा में अभी पानी हम गर्म करेंगे। तो वो लोग चले गए हैं वो गुठली को ग्राइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम पानी बैठा कर जाएँगे हम भी। तो आप सभी को दिखाएंगे कि कैसे हम उस गुठली को ग्राइंड करते हैं। तो ऐसे तो हम हिंदुस्तान में अगर कर देंगे ग्राइंड, लेकिन आज मैं आप सभी को अलग दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, आके हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे गुठली को ग्राइंड किया जा रहा है। ये एक पुराना ज़माना का सिस्टम है, तो उसे हम ढिंकी कहते हैं। तो इसमें हम पहले चावल बना के खा रहे थे, तो इसमें ही हम ग्राइंड करेंगे। देखिए किस तरह से किया जा रहा है ग्राइंड। तो ग्राइंड हो चुका है, तो अभी हम उसे ले आए हैं। देखिए कैसा हो गया है, बिल्कुल ग्राइंड हो चुका है। तो यहाँ पे पानी भी हमारा गर्म हो गया है, तो अभी हम उसके अंदर डालेंगे सारे जितना भी हम ग्राइंड करके लाए हैं। देखिए ये जितना भी है, तो सारे ग्राइंड जितना भी किए हैं, तो सारे को हम डालेंगे इस पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर। तो डाल दिए हैं सब। तो उसके बाद हम उसको बीच बीच में ऐसे हम मिलाएंगे। देखिए, अरे काठ उठाना है। देखिए मिल गया है। तो बीच बीच में अभी इस तरह से हम डांग लगाएंगे, नहीं तो वो लग जाएगा।
तो आप सभी देखोगे कि किस तरह से तेल निकलेगा उसके अंदर से। तो जितना भी हम पानी दिए थे, जब ये पानी बिल्कुल मर जाएगा, सूख जाएगा, तो उसके बाद देखिए ये आ गया है, धीरे धीरे आ रहा है तेल। तो पानी मर चुका है, देखिए सब जितना भी अभी दिख रहा है ये सब तेल है। देखिए कैसा दिख रहा है। तो निकल चुका है तेल। तो चलिए आप सभी को हम एक जगह में निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए कैसा हुआ है। चलिए तो यहाँ पे हम अभी ले जाएंगे, सारे तेल को अलग कर देंगे। आप लोग बने रहिए लास्ट तक वीडियो के साथ। तो ये गर्म हुआ है इसलिए हम एक कपड़ा में पकड़े हैं। तो देखिए इतना ही तेल निकला है। देखिए कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल शुद्ध तेल है। तो इसमें कोई भी कुछ भी मिलावट नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे हो, तो आप लोग देख रहे थे कि हम लोग किस तरह से कुसुम गुठली से कुसुम ऑयल हम निकाल रहे थे। तो ऐसे ही हम करते हैं, ऐसे ही हम तेल निकालते हैं। तो ये तेल हमारा बहुत सारे काम में आता है, जैसे कि हम उसे बॉडी में लगा सकते हैं और ऐसे बहुत सारे काम में आता है, लेकिन खाने का काम में ये नहीं आता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हम निकालते हैं तो उसे हम अगर खाएंगे तो पायस हो जाएगा, लाटिन पकड़ेगा हमको, तो इसलिए हम उसे खाने में यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए आप लोग तो देख रहे थे कि हम लोग किस तरह से निकाल रहे थे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो तो ख़त्म हो गया है, फिर आप सभी के लिए और एक नया वीडियो लेके आऊँगा, तब तक वेट करना। सो थैंक यू।